एक से ग्यारह रुपए का नोटों का हार अर्पण किया है और बात सदा सदा सदबुद्धि प्रदान करते रहे और आगे बढ़ाते रहे। गुरु शांति पद भगवान कर दिया से बोले हैं, मेरा एक बेटा था, आज यदि होता तो तेरे कितना बड़ा होता का नहीं कहा चला गया बोले अवश्य गुरुदेव ला के दूंगा, लेकिन इतना मुझे बता दो कि तुम्हारा पुत्र किधर गया था खेल करने के लिए। मेरा बेटा सुबह ही निकलता था खेल करने को। किधर को जाता था? अरे उसका कुछ पता नहीं कहां चला जाए। आज भगवान गुरु के बेटे का पता लगाने के लिए चल दिए, पता लगाते 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 समुद्र के पास पहुंचे। ए समुद्र, मेरे गुरु का पुत्र कहाँ है? समुद्र हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु आया तो था मेरे पास लेकिन अब हमारे पास भी नहीं है। फिर कहाँ गया? वो मर चुका है, बैकुंठ में है, बैकुंठ में। गुर दक्षिणा भगवान कन्हैया को चुकानी है। कई वर्ष पहले का मरा हुआ बेटा फिर से भगवान ने जीवित किया और ले जाकर के गुरु सांदीपन को अर्पण करके अपनी ये गुरु दक्षिणा चुका ली। आज दामा निकल गया और रास्ते में खड़ा होकर के फूट फूट करके रो रहा है। भगवान के नैया रथ को लेकर के चल दिए। जैसे ही आज नगर के किनारे पर आए, सुदामा खड़ा भगवान के नैया कहने लगे, भैया बलराम अब देखो मुझे सुदामा दिखाई पड़े हैं। तो सुदामा के अलावा कोई दिखाई पड़ता है? भगवान रथ से उतर करके गए और सुदामा के पीछे खड़े हो गए और सुदामा का हाथ पकड़ा तो क्या देखा, सुदामा ने रो रो करके चेहरा लाल कर लिया था। रो रो करके सुदामा ने अपना चेहरा लाल कर लिया था। सुदामा के मुखड़े को देख करके भगवान ने कहा, भैया तुम रो रहे हो?
हाँ भैया, कन्हैया मैंने कपट किया है, मुझे माफ कर देना। नहीं भैया, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे साथ में कोई कपट नहीं किया। अरे एक बात बताए भैया, जीवन में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो इस कन्हैया के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, केवल एक बार आवाज लगा देना, मैं नंगे पैर दौड़ता हूँ। अरे अंजू भैया जी की तरफ से गुरुदेव भगवान के गले में हार, और हम साथियों के लिए 10-10 मुद्रा भगवान कल्याण करे और सदा सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। प्रेम चलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान प्रेमियों, आज सुदामा से भगवान ने विदा ली और भगवान द्वारिका को चले आए। भगवान प्रेमियों, इधर भगवान जब द्वारिका के राजा बन जाते हैं और वो ही सुदामा का क्या होता है, सुनो आगे की कथा। सुशीला नाम की भामिनिया घर में आई, सुदामा बड़ा प्रसन्न है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है घर के अंदर, रुपया है, पैसा है, जेवर है, खेती बाड़ी, घर मकान सब कुछ है। और अब तो सुदामा को पतिव्रता स्त्री भी मिल गई। अब तो सुदामा इतना प्रसन्न है कि मेरे पास में सब कुछ है, बड़ा भाग्यशाली हूं मैं। लेकिन भक्तों, समय बदलते देर नहीं लगती है। हेलो सभी भक्तगण, ध्यान दें, जो दान आया है वो इस प्रकार है।